वेलकम टू एमिक्रेन सर का मेरा नाम है। तो आज के स्टूडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं सैमसंग और एलजी के टॉप लोड वॉशिंग मशीन को, और इस कंपैरिजन के एंड में मैं आपको बताऊंगी कौन सी मशीन आपको खरीदनी चाहिए। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। सैमसंग और एलजी का जो मॉडल नंबर है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी जो है सैमसंग की 6.5 kg की है और एलजी की है 6.6 kg की। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम है। मैक्सिमम रोटेशन स्पीड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सैमसंग की जो रोटेशन स्पीड है वो है 700 rpm और एलजी की 780 rpm, यानी कि एक मिनट में कितना रोटेशन लेता है इससे हमें पता चलता है। तो यहाँ पे एलजी जो है वो पॉइंट ले जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। इंस्टॉलेशन की हम बात करें, दोनों की ही फ्री स्टैंडिंग है, दोनों की ही सेम है। यहाँ पे एलजी और सैमसंग दोनों ही टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है, मतलब कपड़े जो है हम ऊपर से डालते हैं। यहाँ पे कलर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों का ही कलर सिल्वर है, लेकिन दिखने में मेरे हिसाब से ज्यादा अट्रैक्टिव एलजी है। और यहाँ पे दोनों ही वॉशिंग मशीन जो है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, यानी कि जब आप एक बार कपड़े डाल देते हैं धोने के लिए तो वो सूख कर ही निकलते हैं, मतलब पार्शियली सूख कर निकलते हैं। यहाँ पे वोल्ट की बात करें तो यहाँ पे सैमसंग का जो वोल्ट है वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, जबकि एलजी जो है वो 230 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। यानी कि जिस घर पे वोल्टेज की प्रॉब्लम है तो सैमसंग ज्यादा सपोर्ट करेगा, जबकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, लगभग सेम ही है। और मटेरियल की हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों का ही मटेरियल स्टेनलेस स्टील का है, जिससे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है दोनों की ही। कोरोजन फ्री है और रस्ट फ्री है, तो दोनों को यहाँ पे इक्वल पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे सैमसंग जो है वो गूगल टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी कि इससे कपड़े जो है आपस में उलझते नहीं है। और एलजी में जो है टर्बो ड्रम लगा हुआ है जिससे कि स्पीड काफी ज्यादा है और कपड़े भी अच्छे धुलते हैं। जहां तक सैमसंग की वारंटी की बात है तो 3 साल आपको प्रोडक्ट के ऊपर और 10 साल आपको मोटर के ऊपर वारंटी मिलती है, जबकि एलजी में आपको 2 साल प्रोडक्ट के ऊपर और 10 साल मोटर के ऊपर मिलती है। तो यहाँ पे 1 साल वारंटी आपको सैमसंग में ज्यादा मिलती है। और एलजी में आपको स्मार्ट क्लोजिंग डोर, चाइल्ड लॉक जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, जबकि सैमसंग में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं। एलजी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें आप ऐप के इस्तेमाल से मशीन में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं स्मार्ट थिंग क्यू ऐप से, जबकि सैमसंग में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी एलजी पॉइंट ले जाएगा। एलजी में आपको ऑटो स्मार्ट फीचर मिल जाता है, उसमें होता क्या है ऑपरेशन के बीच में अगर लाइट चली जाती है तो जब भी लाइट आती है तो वहीं से शुरू होती है मशीन जहाँ पे वो स्टॉप हुई थी। ये बहुत ही बढ़िया फीचर हमें एलजी में मिलता है, जबकि सैमसंग में ये अवेलेबल नहीं है। और एलजी में हमें जेट स्प्रे मिलता है जिससे कि डिटर्जेंट अच्छे से खुलने में मदद करता है। दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, वो है इसकी प्राइसिंग। तो सैमसंग और एलजी दोनों की ही प्राइसिंग आपको मिल जाती है 24,490 rupees, लेकिन दोनों में ही डिस्काउंट का बहुत ज्यादा अंतर है। सैमसंग आपको आफ्टर डिस्काउंट लगभग 22,000 में मिल जाता है 22,000 में, और एलजी की जो मशीन है आफ्टर डिस्काउंट आपको मिल जाती है 19,000 rupees में। दोस्तों डिस्काउंट जो है वेरी हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑफर्स। और अगर हम आज के विनर की बात करें तो आज का जो विनर है दोस्तों वो क्लियरली एलजी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फीचर और बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको मिलता है। अगर आपको भी दोनों मशीन में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप एलजी ले सकते हैं। आई एम श्योर दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और अगर आपको बाय करना है मशीन तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और भारी डिस्काउंट में इसे अपना बना सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।